हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? बहुत सारे लेक्चर अभी पढ़े हैं और बहुत सारे दिन हो गए हैं हम लेक्चर डाले नहीं थे, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे इसको। तो आज हम लोग सॉल्यूशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और सॉल्यूशन को कंटिन्यू करने में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज़ ला होता क्या है, ठीक है? उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं हेनरीज़ ला क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले हेनरीज़ ने इस नियम को दिया था, हेनरीज़ ने इस ला को दिया था। तो उसने क्या कहा था कि जो गैस होती हैं और गैस का जो मास होता है उस पर जितना भी प्रेशर लगाया जाएगा उतना ही मास क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा, और जितना मास डिसोसिएट करेगा वही उसी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। तो उसने बोला था कि मास जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके पीछे, मतलब प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए हेनरीज़ ने क्या किया था, इसको मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बोला था, और बाद में उसने कहा कि एम इक्वल टू के पी, जहाँ के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसने बोला था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं थी। अच्छा, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि उसने कैसे इसको डिफाइन किया था। सबसे पहली बात कि उसने ये बोला था कि मास जो होता है प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए उसको हम ऐसे समझते हैं, उसने क्या बोला, ये मान लीजिए हमारा कोई सॉल्वेंट है जिसमें हम कोई गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस डिजॉल्व करेंगे, ठीक है? और ये जब गैस डिजॉल्व होगा तो इसमें एक कंडीशन है कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, और कह रहा है कि जितना वॉल्यूम ऑफ गैस लेंगे जो डिजॉल्व होगा उसका जितना मास होगा गैस का इस सॉल्यूशन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इस कंडीशन में वो जो गैस डिजॉल्व होगा इस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर देगा। तो इसको अगर हम डिफाइन करें हेनरी के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस is dissolved in a solution, solvent भी लिख सकते हैं, in a solution, volume of gas is dissolved in a solution is directly proportional to किसके, pressure of the gas, ठीक है, which is in equilibrium with जो क्या है, equilibrium है with किसके, with solution, कब, at constant temperature क्या है, constant, ठीक है? तो ये उसने define किया था, ठीक। लेकिन ये डिफिनेशन के बाद इस डिफिनेशन को बहुत ज़्यादा माना नहीं गया, और बाद में इस डिफिनेशन को डाल्टन ने मॉडिफाइड किया था, उसने दिया था डाल्टन्स मॉडिफिकेशन। बाद में डाल्टन ने इसी को क्या किया, मॉडिफाइड किया। अब देखते हैं डाल्टन ने क्या कहा है, डाल्टन ने क्या कह दिया, डाल्टन ने बोला कि पहली बात की इसमें जो मास होता है मास के स्थान पर डाल्टन ने मोल फ्रैक्शन का यूज किया था, और जो प्रेशर था उसको उसने क्या बोला, पार्शियल प्रेशर बोला था, ठीक है? डाल्टन ने इन दोनों वर्ड को लिया और बाद में इसको मॉडिफाइड किया। तो डाल्टन क्या बोलता है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। डाल्टन बोलता है कि देखिए, जो एक्स होता है मतलब मोल फ्रैक्शन होता है किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर ऑफ द गैस, जहाँ की उसने क्या बोला था हेनरीज़ ने कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पीजे। डाल्टन बोलता है एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के। फिर डाल्टन इसको कहता है अगर इसको हटाया जाए तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डैश, क्योंकि हेनरीज़ ने के लिया तो इन्होंने के डैश लिया इंटू पी डेवलप होता है, और उन्होंने कहा के डैश इक्वल टू, उन्होंने कहा के डैश इक्वल टू 1/KH रखेंगे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो एक्स बराबर मेरा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 1/KH इंटू पी, या पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH एक्स, इन्होंने ये बोला। तो क्या कहा डाल्टन ने कि जो एक KH है ये रियल में क्या है, ये है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसी को हेनरीज़ कांस्टेंट कहा गया, इसी को क्या कहा गया, हेनरीज़ कांस्टेंट बोला गया। क्यों, क्योंकि ये हेनरीज़ के रिस्पेक्ट में दिया गया था इसलिए उसने हेनरीज़ कांस्टेंट कहा। तो जब डाल्टन इसको मॉडिफाई करता है तो डाल्टन इसको डिफाइन करता है कि मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
पार्शियल, देखिए यहाँ पे क्या बोला उसने, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, ओवर द सॉल्यूशन। तो ये जो डिफिनेशन दिया गया, ये डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया था, ये डाल्टन ने मॉडिफाइड किया था, डाल्टन के द्वारा दिया। अब आपसे अगर पूछेगा हेनरीज लॉ क्या है, तो आप कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी बता सकते हैं, आप पिछले डिफिनेशन को भी बता सकते हैं। दूसरी बात, इसको दूसरे टर्म में अगर देखा जाए तो उसने क्या कहा कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जो एम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सॉल्युबिलिटी के। और चूंकि एम के बाद उसने एक्स भी ले लिया है, तो आप इसको एक्स भी लिख सकते हैं कि जितना मोल फ्रैक्शन होगा, जितना मास होगा, उतना पार्शियल प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ही सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस टाइप से हेनरीज लॉ के बारे में हम लोग स्टडी कर लेते हैं, हेनरीज लॉ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में, अगर हम लोग मास वर्सेस प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, जो हेनरीज ने दिया है एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एम बराबर के पी, ये हेनरीज ने दिया था ना, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स, इंटरसेप्ट नहीं है, प्लस सी, मतलब ये यहाँ प्लस जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ग्राफ, अगर हम एम वर्सेस पी के बीच में ग्राफ खींचे, देखिए ग्राफ क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर हम पी इक्वल टू के एच इंटू एक्स के बीच में ग्राफ खींचे, तो ये ग्राफ क्या आ जाएगा, प्रेशर वर्सेस यहाँ पे देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, प्लस सी, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर पी वर्सेस किसके बीच का एक्स के, तो अगर पी वर्सेस एक्स के बीच के ग्राफ खींचे, तो भी ग्राफ हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, ये इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो अगर आपसे ग्राफ खींचे तो ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं, जहाँ एम होता है एम बराबर क्या, मास बराबर क्या, सॉल्युबिलिटी है। तो अगर हम इसके बीच में एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन वर्सेस पी, उसके बीच में मास के बीच में ग्राफ खींचे, या प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचे, या सॉल्युबिलिटी के ग्राफ खींचे, हमको इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा, ठीक। अब ये तो हो गया ग्राफ के बारे में, अब इसी के आधार पे हम अगर गैस की बात करें, तो जैसे गैस जो होती है, गैस मान लीजिए जो ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा डिजॉल्व होती है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है। दूसरी बात की ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन के बाद हीलियम, ठीक है। तो ये जो है ये पी वर्सेस एम के बीच का ग्राफ है, तो अगर हम पी वर्सेस एम के बीच में ग्राफ खींचें, तो हमारा ये ग्राफ इस टाइप से आता है, मास वर्सेस प्रेशर के बीच में। और ये क्या है, ये सॉल्युबिलिटी है, डिफरेंट मतलब एक ही टेम्परेचर पे इन गैसों की सॉल्युबिलिटी है। तो जैसे प्रेशर बढ़ता है, मास बढ़ता है, और हर एक गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। तो हम चार सॉल्युबिलिटी चार गैसों का दिखाए गए हैं, जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सॉल्युबल है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, और हीलियम है। यहाँ पे हमको बेसिक सॉल्युबिलिटी जो होती है, अगर हम देखें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो नाइट्रोजन और हीलियम है। ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, इसलिए हम इसको लेके बता दे रहे हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे सॉल्युबिलिटी के बारे में बात हो गई कि गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है और कैसे होती है, ठीक है। अब हम अगला जो टॉपिक बात करेंगे, वो हम देखेंगे कि डिफरेंट जो टेम्परेचर होते हैं उनमें सॉल्युबिलिटी कैसे असर करेगी। देखिए सबसे पहली बात कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखिए पीएच का टू हमारा क्या होता है, के एच इंटू एक्स होता है, पार्शियल प्रेशर के एच के बराबर होता है। और हमने क्या कहा, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा के एच की वैल्यू बढ़ती है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के एच की वैल्यू हमारी बढ़ेगी, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन एक्जोथर्मिक होता है और गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, ये हमने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे अगर हम देखें तो पी वाई क्या होता है, के एच होता है, पी वाई क्या हो जाएगा, के एच, जहाँ प्रेशर और इसके बीच का हम देखते हैं कि यूनिवर्सली रिलेशन है, ठीक है, पी बाई के एच की का रिलेशन है। और यहाँ पर टी बराबर के एच, हमने कहा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच की वैल्यू बढ़ेगी, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो के एच की वैल्यू अगर बढ़ती है तो सॉल्युबिलिटी घटती है। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो देखो कैसे कंपेयर करते हैं, मान लो ये कोई गैस है, और गैस के बाद हम मान लेते हैं यहाँ क्या है, टेम्परेचर केल्विन में रखा गया है, और हम इधर क्या रख रहे हैं, के एच की वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम की, नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन की। तो हीलियम की जो वैल्यू होती है 293 केल्विन पे,
इसका 144.97 होता है। नाइट्रोजन की बात करें टेम्परेचर 293 होगा, और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेम्परेचर 303 होगा, 293 और 303 ये टेम्परेचर है, और इनकी साल्विटी हो जाएगी 76.4, ए के एच की वैल्यू हो जाएगी 76 और 88.84 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 34.84 और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 46.82। जरा ध्यान दीजिए, हम जब एक ही टेम्परेचर पे स्टडी कर रहे हैं, दोनों टेम्परेचर में देखिए इन दोनों का टेम्परेचर एक नहीं है, डिफरेंट है, मतलब जब दो गैस की स्टडी डिफरेंट टेम्परेचर पे कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, 293 से 303 हो रहा है, तो जरा के एच की वैल्यू देखिए, के एच की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना, बढ़ रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, के एच की वैल्यू भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। और हमने कहा कि अगर के एच की वैल्यू इंक्रीज कर रही है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो हमने कहा कि साल्विटी क्या होती है इसकी, डिक्रीज करती है, मतलब गैस की साल्विटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो एक ही टेम्परेचर पर हम के एच की वैल्यू से देखेंगे, 293 केल्विन पे नाइट्रोजन, 293 केल्विन पे ऑक्सीजन, इन दोनों की साल्विटी की जरा बात करते हैं, और हीलियम की जरा देखिए, हीलियम के के एच की वैल्यू कितना, 144 है, ठीक है, और अगर ये के एच हाइएस्ट है इसकी साल्विटी क्या होगी, कम होगी, मतलब हीलियम लेस साल्विबल होगा किसके कंपेयर। अब इसकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करेंगे, तो ऑक्सीजन में 293 जो केल्विन है उस टेम्परेचर पर देखिए के एच की वैल्यू 34.84 है और नाइट्रोजन की 88, मतलब इसके बाद इसकी वैल्यू के एच की घटी हुई, तो घटे और साल्विटी क्या होगी, बढ़ेगी, इसका मतलब N2 ये हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा साल्विटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की, क्योंकि उसकी के एच की वैल्यू सबसे कम है, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा साल्विबल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया ये साल्विटी का वो, और ये जो साल्विटी का ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसको हमें बताएं कि टेम्परेचर के रिगार्डिंग ये कैसे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ को लिख दे रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा, कंपटीशन या कहीं अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि जो मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के, और हमने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये साल्विटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आपको मैंने बताया 1/T, मतलब टेम्परेचर के क्या है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साल्विटी, और ये भी हमने बताया कि यूनिवर्सली पर 1/ क्या है, KH, ठीक है, 1/ क्या है, KH है, मतलब टेम्परेचर और KH दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन साल्विटी हम ये सारी चीज़ें डिक्रीज करेंगे, तो ये इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, KH की वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ये सारी कहानी हो गई। अब इसी पे क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न है कि एक्वेटिक एनिमल्स अच्छा महसूस करते हैं वाटर में। तो देखिए क्वेश्चन ये होता है कि वाई द एक्वेटिक एनिमल्स फील्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। एक्चुअली होता क्या है कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होता है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने पहले ही बताया बढ़ेगा, साल्विटी घटने लगेगी, तो टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो ऑक्सीजन अच्छी से डिजॉल्व करेगी, जिसके कारण साल्विटी अधिक होगी, इसलिए एक्वेटिक एनिमल बहुत अच्छा फील करते हैं। जबकि अगर वाटर कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हॉट वाटर हो जाएगा, थोड़ा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन कम डिजॉल्व होगा, जिसके कारण एक्वेटिक एनिमल को सांस लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए वो अच्छा फील नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारे हेनरीज लॉ के बारे में होंगे, ओके। अब जरा देखते हैं हम लोग अप्लीकेशन, तो हेनरीज लॉ का अप्लीकेशन जरा देख लेते हैं। अप्लीकेशन अगर हेनरीज लॉ के बारे में बात करें तो पहला अप्लीकेशन है इन द कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन द कार्बोनेटेड बेवरेजेस, देखिए जितनी भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस का मतलब जितने भी ऐसे सब्सटेंस, ऐसे भी जो भी कोल्ड ड्रिंक है, बियर है, इनमें क्या किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाता है, उसी में डिजॉल्व कर दिया जाता है, जो भी कोल्ड ड्रिंक होता है या बियर होता है, इससे क्या होता है कि हाई प्रेशर में उनको डिजॉल्व किया जाता है, तो CO2 जाके उसमें डिजॉल्व होती है, लेकिन जब उनको नॉर्मल कंडीशन में ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के सी प्रोसेस के साथ क्या करती है, निकलने लगती है। और ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे रीजन ये, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और कोल्ड हो और ठंडा हो चाहे स्वादिष्ट होता है, लेकिन जब वो गर्म हो जाता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलेगा तो वो गैस है और वो क्या करेगा, फैलेगा पूरा मुंह में या माउथ में पूरा स्प्रेड होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो चार प्रकार के हमारे जीभ में कणिकाएं हैं वो उसको क्या करेंगी,
स्वाद मतलब महसूस करेंगी, जिसके कारण हमको ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वो जब CO2 फैलेगा तो पूरी सरफेस एरिया उसका कवर करेगा, जिसके कारण ऐसा CO2 को डिजॉल्व किया जाता है हाई प्रेशर पे। तो ऐसा नहीं कि CO2 को ऐसे शौक से ही डिजॉल्व किया जाता, नहीं, उसका रीजन यही है कि थोड़ा टेस्ट इन्हेंस्ड करने के लिए, कि टेस्ट कैसे इन्हेंस हो, उस सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। और जब वही कोल्ड मतलब वो जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो जब गर्म हो जाता है तो उतना अच्छे से वो फैलेगा नहीं, इसलिए उतना स्वादिष्ट वो नहीं रहता है। तो अंडर हाई प्रेशर क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें यह होता है, इन द कार्बोनेटेड बेवरेज एट हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन टू द बॉटल्स, ठीक है ना, व्हेन इट इज ओपन इन टू द नॉर्मल कंडीशन देन कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व एंड इफ्लुएंसेस टेक्स प्लेस, ठीक, ये हो जाता है। दूसरा हमारा ये होता है कि इन स्क्यूबा डाइवर्स, या हम ये कह सकते हैं इन डीप सी डाइविंग, ठीक है, चलो देखते हैं डीप सी डाइविंग का क्या मतलब है। तो जो हम डीप सी डाइविंग की बात करते हैं, ये होगा जो समुद्र में कोई भी स्क्यूबा डाइवर्स जो गोताखोर होता है, जब समुद्र के अंदर जाता है तो समुद्र के अंदर जाने के बाद, यहाँ पे मान लीजिए ये मान लीजिए समुद्र है, तो यहाँ पे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे इस पूरा वाटर का प्रेशर इस पर पड़ने लगता है। तो वाटर का प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि जो सेल होती हैं, सेल चूँकि देखिए लंग्स के पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, लंग्स के पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और सेल के पास पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो जब ये जाते थे तो ये एक्चुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाते थे, तो इससे क्या होता था कि प्रेशर बढ़ने से ये जो ब्लड कैपिलरी होती थी इनके थ्रू वो सेल में नाइट्रोजन आके घुलने लगता था, ऑक्सीजन भी जाता था, लेकिन ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म में क्या होता था, इन्वॉल्व हो जाता था। तो ऑक्सीजन जब मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो जाता था तो कंज्यूम हो जाता था, लेकिन नाइट्रोजन क्या करता था, आता था सेल में डिजॉल्व होता था, और डिजॉल्व होने के बाद जब ये स्क्यूबा डाइवर्स फिर से सतह पे आने लगता था, सरफेस पे आने लगता था, तो ये जो नाइट्रोजन होता था ये स्कैपरीज के थ्रू निकलने लगता था। तो आल ऑफ सडन कभी कभी क्या होता था, जब वो निकलता था प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्लड कैपरीज फट जाती थी, या कभी कभी सेल ही ब्रस्ट कर जाता था और जिसकी वजह से हेमरेज हो जाते थे और वो कभी कभी बेहोश हो जाता था या कभी कभी वो मर जाता था। इसके कारण इस रोग को बेड्स डिजीज कहा जाता था, इस कंडीशन को क्या कहते थे, बेड्स डिजीज कहते थे। तो ये कंडीशन होता था, इसके लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने इसमें हीलियम की मात्रा ऐड कर दी, उसको डाइल्यूट कर दिया। अब हीलियम का सॉल्युबिलिटी मैंने पहले ही आपको बता दिया, हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इससे ज़्यादा होती है, लेकिन ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। तो अब जब हीलियम को डाइल्यूट किया गया तो यह प्रॉब्लम मिनिमाइज हो गया। तो हीलियम 11 पॉइंट, हीलियम की जो मात्रा थी 11.2% लिया गया, ऑक्सीजन की मात्रा 3.1% लिया गया और इसकी मात्रा 56.7 लिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से इनकी मात्रा लिया गया 11.2 और 56.7, 32.1 के नियर अबाउट इनकी मात्रा लिया गया और तब इसको डाइल्यूट किया गया, अब ये प्रॉब्लम नहीं आती। अगला जो एप्लीकेशन है ये होता है कि जब कोई पहाड़ पे चढ़ता है, या पहाड़ों का अगर देखा जाए, जब हाईएस्ट एट हाई एल्टीट्यूड पे आप चढ़ते हैं तो वहाँ पे चूंकि पार्शियल प्रेशर कम होते हैं, पार्शियल प्रेशर कम होने से क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम इसलिए आने लगता है, चूंकि पार्शियल प्रेशर कम है तो ज़्यादा हमको क्या करना, एफर्ट करना पड़ेगा जिससे अंदर ऑक्सीजन आए, और इस कंडीशन में हम सांस तो लेते हैं लेकिन बहुत वर्क करना पड़ता है और अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, कम डिजॉल्व होता है, जिसके कारण कभी कभी वो ऑक्सीजन सही से सप्लाई नहीं हो पाता हमारे सेल के पास, और जब सेल के पास वो सप्लाई नहीं हो पाता है तो सेल स्टारवेशन में चली जाते हैं, सेल को क्या होता है, सेल डिस्ट्रॉय होने लगता है, इट्स बिकम मतलब कंडीशन ऑफ स्टारवेशन ऑफ सेल, तो सेल स्टारवेशन का शिकार हो जाता है, जिसके कारण इस डिजीज और लोगों का थिंकिंग पावर कम हो जाता है, लोगों का थिंकिंग पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वो लोग दुबले पतले होने लगते हैं। इस डिजीज़ को एनोक्जिया बोला जाता है, इस डिजीज़ को क्या बोला जाता था, एनोक्जिया बोला जाता था। तो एक तो एप्लीकेशन इसका हो जाता है। अगला एप्लीकेशन जो है वो है इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया लंग्स के फंक्शनिंग में क्या होता है। तो ये तीसरा था एट हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। और चौथा हमने बताया इन द फंक्शनिंग ऑफ लंग्स
इज अ फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। तो हमने आपको बताया, तो ये जो होता है फंक्शनिंग ऑफ लंग्स का मतलब क्या है भाई, कि ऑक्सीजन आके पहले क्या करता है, डिजॉल्व करता है। यहाँ पे लंग्स के पास पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने से ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा डिजॉल्व होता है, लेकिन सेल के पास पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कंबाइन कर लेता है, क्योंकि हाइयर प्रेशर होता है, और ये हीमोग्लोबिन कैपिलरीज के थ्रू लेके चला आता है, और ये सेल में क्या करता है, पार्शियल प्रेशर कम होता है, जहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ देता है, तो ऑक्सीजन फिर से इसमें सेल में डिजॉल्व हो जाती थी। तो एक तो लंग्स के फंक्शनिंग में भी ये जो है काम करता है। तो इस टाइप के इसके एप्लीकेशन हो गए, हेनरीज लॉ क्या था और इसके एप्लीकेशन क्या था। अब इसकी हम मेरिट के बाद हम इसकी थोड़ी सी डिमेरिट देखेंगे कि क्या होता था। तो जो लिमिटेशन है हेनरीज लॉ के, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, तो इसके लिमिटेशन पहला ये है कि जो भी गैस होती है ना, पहला पॉइंट कि गैस केमिकली रूप से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है कि जो गैस होती है वो केमिकली रूप से क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। मान लीजिए HCl हुआ, अमोनिया हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, ये केमिकली रूप से रिएक्ट करती हैं, तो इसको हेनरीज लॉ फॉलो नहीं होगा। पहला कंडीशन है कि गैस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट, गैस को केमिकली रूप से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि प्रेशर इज लो, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर होता है तो ये जो गैस होता है वो लेस एक्यूरेट काम करता है। तो हम लिखेंगे ही कि प्रेशर इज लो, एट हाई प्रेशर ला बिकम लेस एक्यूरेट एंड केएस सो डेविएशन, और जो केएच होता है वो क्या करता है, डेविएशन सो करने लगता है। तीसरा बात है कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। और अगला कंडीशन आएगा कि गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस को बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, इसको पॉइंट में हम नोट कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया गैस केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, लिमिटेशन हो गए, ठीक है। तो ये हमारे हेनरीज लॉ के बारे में हो गए। अब अगला जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे वह वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग राउल्ट्स लॉ के बात करेंगे कि राउल्ट्स लॉ क्या होते हैं, उनके दो केस बात